नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर वर्मा, हमारे लोकप्रिय चैनल आयुर्वेदिक खजाना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको वो सारी जानकारी देते हैं जो शायद आप नहीं जानते। जी हां, कुछ ऐसे घरेलू और आयुर्वेदिक चीजें हैं जो हमेशा आपके आसपास होती हैं, लेकिन किस प्रकार आपके शरीर के लिए लाभदायक है, यही जानकारी देता है हमारा ये चैनल आयुर्वेदिक खजाना। दोस्तों, आज बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों का दिमाग कमजोर होने लगता है, साथ ही आंखों पर भी इसका असर होता है। दरअसल होता यह है कि इंसान कुछ ही पलों में ये सोचता है कि मुझे ये काम करना है और अचानक किसी से बात करने लग जाता है, फिर उसका दिमाग उस बात से हटकर दूसरी बातों में लग जाता है और फिर वह यह सोचता है मैंने थोड़ी देर पहले कुछ काम करने की सोचा था, लेकिन वह बात उसके दिमाग से निकल जाती है। ऐसे में वो अपना जरूरी काम भूल जाता है और फिर बहुत जोर देने के बाद ही उसे याद आता है, या फिर याद आता ही नहीं। और जब दिमाग कमजोर है तो ऐसे में आपकी आंखों की रोशनी पर भी काफी हद तक असर पड़ता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसका सही और सटीक उपचार क्या है। बादाम तो आप जानते ही होंगे, अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। 7 गिरी बादाम की लेकर शाम को किसी कांच के बर्तन में पानी भरकर उसमें भिगो दें। सुबह उसका लाल छिलका निकालकर बादाम को बारीक बारीक पीस लें, और अगर आंखें कमजोर हों तो 4 दाने काली मिर्च के भी पीस लें। 250 ग्राम दूध में मिलाकर गर्म कर लें। दूध में उफान आने के बाद उतार कर 1 चम्मच देसी घी और 2 चम्मच बूरा या चीनी मिला लें और फिर उसे ठंडा होने दें। जब यह पीने लायक गर्म रह जाए तो इसे 15 से 40 दिन तक पीते रहें। अब जानिए कि आपको इससे क्या क्या फायदा होता है और कितनी बीमारियां दूर होती हैं, जैसे कि मस्तिष्क और स्मरण शक्ति, दिमाग का बढ़ना, आंखों की रोशनी का बढ़ना, साथ ही यह आपके वीर को भी बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।